नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेयर के डेली टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त एस के कटारिया। दोस्तों, राजस्थान जीके पर जो डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, ये उसका पार्ट नंबर 23 है। इससे पहले इसके 22 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, बिना समय गंवाए आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ में बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुद्राएँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, तिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहां मिली हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, सुनारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहां प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, गणेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कांतली नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? आंसर होगा ऑप्शन डी, सैंधव लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक कालीन या अशोक के काल के गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहां से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजक की पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की समाधि गागरोन के दुर्ग में स्थित है, इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत नरेश पिपाजी की छत्री किस जिले में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन सी, झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा ऑप्शन बी, देवन सिंह खींची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे प्रमुख जल दुर्ग कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, गागरोन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गागरोन का दुर्ग किन नदियों के तट पर बना हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन सी, आहू व काली सिंध नदियों के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग में मिठे साहब यानी सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को घूलरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, गागरोन के दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर कटार दुर्ग स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जौहर हुए हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है? आंसर होगा ऑप्शन बी, गागरोन दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिख दुर्ग की विशेषता बताओ। आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसके चारों ओर खाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग परन दुर्ग है? आंसर होगा ऑप्शन बी, रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ी शैली की विशेषता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी मीन नेत्र, लंबी नासिका व छोटी ठोड़ी, नायक के कान एवं बुक के नीचे गहरे रंग का अधिक उपयोग किया हुआ है और लाल एवं पीले रंग का अधिक प्रभाव है। ये सभी विशेषता मेवाड़ी शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लालचंद ठड्डा की हवेली स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, फलोदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवीं व दसवीं सदी में बने मंदिर तथा आभानेरी का, हर्ष माता का मंदिर व मत्स्य राज्य के मंदिरों में किस स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन बी, महामारू शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर विमल शाही किसका प्रयोग हुआ है, यानी इस मंदिर में किस मार्बल का प्रयोग हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सफेद मार्बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली किस जिले में है? आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से धानवन दुर्ग कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसलमेर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, नेमिनाथ जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ के बारे में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, तारागढ़ के किले को जिब्राल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू में तेजपाल मंदिर की विशेषता है? आंसर होगा, यह बहुत पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाराणा के द्वारा बनाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले पत्थरों से चिकुटाकृति से बने किस दुर्ग को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए हैं?
आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 प्रांगण बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव की रानी उमादे ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था? आंसर होगा ऑप्शन बी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह है किस दुर्ग में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? आंसर होगा जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा अजयराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहरानगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन ए, मेहरानगढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ बना हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिकूट पहाड़ जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने के समान चमकता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को भाटी भंड किवाड़ भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर को। दोस्तों, इस टेस्ट के लिए इतना ही। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, जल्द ही मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।